हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग आए स्टोक विलेज में। स्टोक विलेज ले से आपको 13 to 15 किलोमीटर, हाँ 14 किलोमीटर भरेंगे। एग्जैक्टली 14 किलोमीटर दिखा रहे हैं गूगल मैप। सो आपको 14 किलोमीटर भरेंगे एंड वहाँ से आपको आने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको आ कैसे सकते हो स्टोक विलेज। सो स्टोक विलेज मेनली इंडस वैली में पड़ता है एंड उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही, मतलब ये लेस ट्रैवल विलेज है, लिस्ट बहुत ही कम ट्रैवलर यहाँ आते हैं। एंड मैं अभी बैठा हूँ स्टोक के मॉनेस्ट्री में। सो आपको आने के लिए आप बस ले सकते हो बस स्टैंड से, फिर वो आपको बीच में छोड़ देगा। तो एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको वो जगह का नाम आपको पड़ेगा। जस्ट सेकंड, मैं देख रहा हूँ कि कौन सा वे, मतलब कौन सा जगह आपको उतरना चाहिए बस, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बस आता नहीं है। सो इसलिए जो है ये आपको मतलब स्प्लिट करके आना है, आपको बीच में चेंज करना पड़ेगा। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सो पहले आप ले लेते हो, ले मेन मार्केट में जाते हो, वहाँ से जो लोकल बस चलती है उसको लेते हो, उससे आप आते हो इसमें चोगलामसार में आते हो। सो चोगलामसार एक मतलब लाइक मार्केट टाइप की है एंड वहाँ से आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा। सो टैक्सी स्टैंड से आप यहाँ से आ सकते हो, टैक्सी स्टैंड से आपको टैक्सी मिल जाएगी एंड पर पर्सन 150 लेंगे। 150, सो 150 हम लोग टू ट्रैवलर्स आएंगे, सो हम लोगों 300 लिए, सो 150 लेंगे वहाँ से। आप वहाँ से मतलब ये बहुत ही लेस ट्रैवल है, या तो घंटे में आपको आई थिंक 4 to 5 व्हीकल मिल जाएंगे रास्ते में, एक घंटे में 3, 4, 5 ऐसे ही मिलेंगे, बहुत ही कम मतलब ट्रैवल हो रही हैं। सो आप अगर चाहो तो हिचाइक भी कर सकते हो, हम लोग जाते टाइम हिचाइक ट्राई करेंगे क्योंकि पता नहीं क्या होगा। अभी तो टैक्सी मिलने वाली मतलब मिल भी सकती है, ज़्यादातर 90% चांस नहीं मिलेगा, सो नहीं मिल सकती। सो आने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस से फिर चोगलामसार से जो है, यार क्या विलेज का नाम है चोगलामसार, सो वहाँ से आपको उतर के फिर टैक्सी लेना है, देन यहाँ आपको पहुँचा देगा। एंड या फिर आप अगर चल के आ सकते हो, 14 किलोमीटर आपके लिए अगर कर सकते हो तो आ सकते हो। एंड हिचाइकिंग है, आप हिचाइकिंग कर सकते हो, सो आप ये आ सकते हो। एंड यहाँ पे विज़िट के लिए स्टोक पैलेस है। सो स्टोक पैलेस बंद है अभी, क्योंकि जो मतलब यहाँ की पैलेस, मतलब जो क्या बोलते हैं उनके रॉयल फैमिली थे यहाँ के, तो वो अभी वहीं रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को वहाँ टैक्स पे करना पड़ता था एंड यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, सो इसलिए यहीं रहते हैं। यहाँ पर रूम भी ले सकते हो एंड एक रूम की आपको कॉस्ट पड़ेगी पर डे की 15 to 20,000 पर डे, क्योंकि रॉयल पैलेस। आई थिंक उन लोगों से आप मतलब मिल भी सकते हो, बात कर सकते हो, पता नहीं इसके बारे में, मुझे पता नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि ये हो सकता है। सो मैं मॉनेस्ट्री में हूँ, यहाँ पर आप मॉनेस्ट्री आ सकते हो, एक स्तूपा है उसे मॉनेस्ट्री के अंदर ही, एंड म्यूज़ियम बंद है एंड लेस ट्रैवल्ड है, तो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत है, आपको गांव में कोई दिखेगा भी नहीं दूर दूर तक, सो आप यहां ट्रैवल कर सकते हो। एंड मैं कहां आपको दिखाता हूं, मैं हूं अभी मॉनेस्ट्री में एंड मॉनेस्ट्री इसकी हाइट, हाँ मेनली ये ऑल्टीट्यूड में आता है, इसकी हाइट हो गई आपकी 3497 मीटर स्टोक की ऑल्टीट्यूड है। एंड लो मैं आपकी ये है मॉनेस्ट्री, मैं मॉनेस्ट्री में बैठा हूँ, कोई नहीं है, पूरा खाली है मॉनेस्ट्री, बस मैं अकेला बैठा हूँ एंड मेरे साथ जो है वो उस तरह बैठे हैं, शायद वो फ़ोटो ले रहे हैं। सो स्टोक से आप स्टोक कांगड़ी बोल के एक माउंटेन है, आप उस पर ट्रैक भी कर सकते हो, यहाँ पर ट्रैकिंग भी होती है। सो इसकी हाइट है कुछ 6,000, मतलब फिट में ये 20,000 आता है, 20,000 फिट। एंड ये ट्रैक कर सकते हो आप, अगर आप ट्रैक करना चाहो तो यहाँ स्टे कर सकते हो। देन मेरे पीछे जो है वो है स्टोक कांगड़ी, आपको दिख रहा होगा या नहीं, बट वो जो वाइट स्नो वाला दिख रहा है वो है स्टोक कांगड़ी, स्टोक कांगड़ी के वही है, वो माउंटेन स्टोक कांगड़ी है वहाँ पे। यहाँ से मैंने जब गूगल अर्थ पे पॉइंट किया, सो 5 to 6 किलोमीटर आई थिंक 5 किलोमीटर दिखा रहा था। Oh, 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 oh
आप अगर सफिशेंट टाइम लेके आ रहे हो ले, देन स्टोक मस्ट विजिट है मेरे हिसाब से। बहुत ही अनक्राउडेड है, क्राउड नहीं मिलेगी यहाँ, दूर दूर तक विलेज में कोई नहीं दिखेगा। आप आओ यहाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड पैलेस पे भी बैठ सकते हो, स्तूपा पे भी बैठ सकते हो, एंड यहाँ पे आपको ग्रीनरी बहुत मिलेगी। सो आई थिंक दिसंबर में यहाँ पे ट्रैकिंग भी होते हैं, तो दिसंबर में यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ता है। अभी भी ठंडा बहुत है, क्योंकि ऐसे तो धूप निकली है ठंडा कम होता है, बट अभी जो हवा चल रही है इसलिए ठंड लग रही है बहुत। सो यही कुछ इन्फॉर्मेशन था स्टोक के ऊपर, मैंने जो इकट्ठी की इन्फॉर्मेशन, मेरे को जो पता चला, मैं जो ट्रैवल किया, आप कैसे आ सकते हो, कैसे जा सकते हो, यहाँ की हाइट क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन। हाँ, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं, 1400 समथिंग है, तो बहुत ही मतलब कम है, लेस क्राउडेड है, आपको दूर दूर तक कोई भी नहीं देखेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं जितना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाया वो आप लोगों से शेयर किया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। ये छोटा सा वीडियो मैंने स्टोक के ऊपर बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं, एंड मैं वीडियो को बहुत लंबा भी नहीं करना चाहता। सो बताइए ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताना।